हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीसीएम इंस्टीट्यूट। आज की वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं ज्योग्राफी ऑफ इंडिया मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का पार्ट 18। पिछले 17 पार्ट आप यूट्यूब पे जीसीएम इंस्टीट्यूट का पेज विजिट करके वहां पे पूरी प्लेलिस्ट ज्योग्राफी ऑफ इंडिया की देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 18। हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी द प्रोपोर्शन ऑफ फॉरेस्ट कवर फॉर इंडिया टू मेंटेन हर इकोलॉजिकल बैलेंस। ऑप्शंस में हमारे पास 11.1%, 22.2%, 33.3% या 44.4%। इंडिया में इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन करने के लिए फॉरेस्ट की प्रोपोर्शन कितनी होनी चाहिए, मतलब फॉरेस्ट कवर कितना होना चाहिए, तो उसकी परसेंटेज हमें पूछी गई है। तो इसका सही आंसर है थर्ड, 33.3%। ठीक है, यानी 33.3% फॉरेस्ट कवर होना चाहिए इंडिया में इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एरियाज इज नोटेड फॉर मैंग्रोव वेजिटेशन। इनमें से कौन सा एरिया मैंग्रोव वेजिटेशन के लिए जाना जाता है। ऑप्शंस में हमारे पास लावा फॉरेस्ट ऑफ कालिम्पोंग, संजने खली फॉरेस्ट ऑफ साउथ 24 पारगनास, या दंड करन्या फॉरेस्ट ऑफ ओडिशा, और फोर्थ ऑप्शन है कार्बेट नेशनल पार्क ऑफ यूपी। तो इसका सही आंसर है सेकंड, साजने खली फॉरेस्ट ऑफ साउथ 24 पारगनास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज दी बांदीपुर नेशनल पार्क। बांदीपुर नेशनल पार्क कहां पर है। ऑप्शंस में हमारे पास राजस्थान, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका या असम। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स कर्नाटका। बांदीपुर नेशनल पार्क जो है वो कर्नाटका में सिचुएटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेयर इज द फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर है। ऑप्शंस है हमारे पास देहरादून, भोपाल, लखनऊ या दिल्ली। तो इसका सही आंसर है फर्स्ट, देहरादून। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट FRI ये जो है ये देहरादून में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, विच इज द फर्स्ट नेशनल पार्क इस्टेब्लिश इन इंडिया। इंडिया में इस्टेब्लिश हुआ पहला नेशनल पार्क कौन सा है। ऑप्शंस में हमारे पास वेलवादन नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क, बांदीपुर नेशनल पार्क या कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो इसका सही आंसर है फोर्थ, कॉर्बेट नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सुंदरबंस और द मैनग्रोव फॉरेस्ट आर फाउंड इन। सुंदरबंस या मैनग्रोव फॉरेस्ट ये कहां पर पाए जाते हैं। ऑप्शंस है कच्छ पेनिनसुला, वेस्टर्न घाट्स, कोंकण कोस्ट या डेल्टिक वेस्ट बंगाल। तो इसका सही आंसर है डेल्टिक वेस्ट बंगाल। ठीक है, सुंदरबंस को ही मैनग्रोव फॉरेस्ट भी कहा जाता है और ये डेल्टिक वेस्ट बंगाल में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, वर्ल्ड्स मैक्सिमम न्यूज प्रिंट कम्स फ्रॉम। ऑप्शंस है हमारे पास डेसिडस फॉरेस्ट, मॉनसून फॉरेस्ट, मैनग्रोव फॉरेस्ट या रेनफेड फॉरेस्ट। तो वर्ल्ड का मैक्सिमम जो न्यूज प्रिंट है वो आता है डेसिडस फॉरेस्ट से, फर्स्ट ऑप्शन है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड विद रिगार्ड्स टू प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व्स। नीचे हमें कॉम्बिनेशन दिए गए हैं, अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो हमें बताना कि इसमें कौन सा कॉम्बिनेशन जो है वो करेक्टली मैच नहीं है प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व्स के रिगार्ड में। ऑप्शन है हमारे पास सरिस्का अलवर, वाल्मीकि हजारीबाग, पेंच घरवाल या नागार्जुन सागर श्री साईसिलम। तो इसका सही आंसर है थर्ड, पेंच घरवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इन इंडिया कैन यू नॉर्मली स्पॉट द साइबेरियन क्रेन इन विंटर। इंडिया में साइबेरियन क्रेन जो है वो सर्दियों में स्पॉट होता है, हमें वो लोकेशन पूछी गई है कि वो इंडिया में कहाँ स्पॉट होता है। ऑप्शन हमारे पास ससनगिर सेंचुरी, रणथंभौर सेंचुरी, दच्चीगाम नेशनल पार्क या क्यूलेडियो घाना सेंचुरी।
इसका सही आंसर है फोर्थ, कियोलाडियो घाना सेंचुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग है, मैच द बायोस्फेयर रिजर्व्स विद देयर स्टेट्स। हमें एक बायोस्फेयर रिजर्व्स दिए गए हैं हमारे चार, और दूसरी साइड हमें स्टेट्स दी गई हैं, और हमें इन किस इनको मैच करना है आपस में, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो है फोर्थ ऑप्शन, ठीक है। मैं इसे मार्क कर देता हूँ आपके लिए। ए जो है वो है सिमलीपल, जो कि है ओडिशा में, ओके। बी का थर्ड है, बी को यानी देहों तेबान जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो अरुणाचल प्रदेश में है। सी का सेकंड है, यानी नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो मेघालय में है, और लास्ट जो कंचनजंगा है वो सिक्किम में है, ठीक है। आप वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं अपनी नोटबुक पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी मैच द फॉलोइंग लिस्ट है। पहली लिस्ट में हमें बर्ड सेंचुरी नेशनल पार्क्स की लिस्ट है, और सेकंड लिस्ट जो है वो लोकेशन की है कि ये नेशनल पार्क्स कहाँ लोकेटेड है, ठीक है। तो जो बर्ड सेंचुरी नेशनल पार्क्स हैं उसमें बांदीपुर नेशनल पार्क, गिर नेशनल पार्क, मानस सेंचुरी, रोहला नेशनल पार्क है, और जो लोकेशन है वो गुजरात, असम, हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक है, ठीक है फ्रेंड। तो इसका जो सही आंसर है वो है थर्ड, ठीक है। मैं इसे भी मार्क कर देता हूँ आपके लिए। बांदीपुर नेशनल पार्क हमारी आज की वीडियो में हमने देखा ये कर्नाटका में है, पहला क्वेश्चन ही था ये। गिर नेशनल पार्क जो है ये है गुजरात में, मानस सेंचुरी जो है ये है असम में, और रोहला नेशनल पार्क जो हमारा लास्ट ऑप्शन बचा ये है हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। द फेमस गिर फॉरेस्ट आर लोकेटेड इन, गिर फॉरेस्ट कहाँ पर है। ऑप्शन है हमारे पास मैसूर, कश्मीर, गुजरात या केरला। अभी हमने पिछले मैच द फॉलोइंग में ये देखा था, तो इसका सही आंसर है थर्ड, गुजरात। गिर फॉरेस्ट जो है वो गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन टर्म्स ऑफ एरिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स हैज द लार्जेस्ट कवरेज ऑफ फॉरेस्ट। इनमें से कौन सी इंडियन स्टेट है जिसका लार्जेस्ट कवरेज है फॉरेस्ट का इन टर्म्स ऑफ एरिया। ऑप्शन है हमारे पास अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश या उड़ीसा। तो इसका सही आंसर है थर्ड, मध्य प्रदेश, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। मुदुमलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ। मुदुमलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस स्टेट में है। ऑप्शन है हमारे पास केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश। तो इसका सही आंसर है थर्ड, तमिलनाडु। इन इंडिया रेन फॉरेस्ट आर फाउंड इन, इंडिया में रेन फॉरेस्ट कहाँ पे पाए जाते हैं। ऑप्शन है हमारे पास सेंट्रल इंडिया, ईस्टर्न घाट, नॉर्थ ईस्ट हिमालयस एंड वेस्टर्न घाट्स, या नॉर्थ वेस्ट हिमालयस एंड ईस्टर्न घाट्स। तो इसका सही आंसर है थर्ड ऑप्शन, नॉर्थ ईस्ट हिमालयस एंड वेस्टर्न घाट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइलेंट वैली ऑफ केरला। ऑप्शन है, इज द ओनली एवरग्रीन फॉरेस्ट इन इंडिया, कंटेन्स कॉस्टली टिम्बर ट्रीज, इज अ गुड पिकनिक स्पॉट, या कंटेन्स रेयर स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो साइलेंट वैली ऑफ केरला बेसिकली किस चीज के लिए फेमस है, ये क्वेश्चन में पूछा गया था। तो इसका सही आंसर है फोर्थ, कंटेन रेयर स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। द ओनली सेंचुरी वेयर कश्मीर स्टैग इज फाउंडेड। एकमात्र ऐसी सेंचुरी है जहां पे कश्मीर स्टैग पाया जाता है। ऑप्शन हमारे पास कान्हा, दाचीगाम, गिर या मुदुमलाई। तो इसका सही आंसर है सेकंड, दाचीगाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काजीरंगा नेशनल पार्क इज फेमस फॉर। काजीरंगा नेशनल पार्क जो है वो किस लिए फेमस है। ऑप्शन हमारे पास राइनोसेरोस, टाइगर, लायन या क्रोकोडाइल। इसका सही आंसर है फर्स्ट, राइनोसेरोस।
द चिपको मूवमेंट इज रिलेटेड टू, चिपको मूवमेंट जो है वो किससे रिलेटेड है? ऑप्शंस में हमें दिए गए हैं वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन, फॉरेस्ट कंजर्वेशन, साइंटिफिक एग्रीकल्चर या डीफॉरेस्टेशन। तो इसका सही आंसर है सेकंड, फॉरेस्ट कंजर्वेशन। ओके, आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, द गिर फॉरेस्ट इज नोटेड फॉर इट्स, जो गिर फॉरेस्ट है वो किस लिए प्रसिद्ध है? ये क्वेश्चन है हमारा। ऑप्शंस है हमारे पास लायन सेंचुरी, डियर पार्क, टाइगर सेंचुरी या क्रोकोडाइल पार्क। तो गिर फॉरेस्ट जो कि गुजरात में है वो फेमस है लायन सेंचुरी के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आपको आज की वीडियो और हमारा एफर्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ जेसीएम इंस्टीट्यूट का यूट्यूब पेज विजिट कीजिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।